दोस्तों, हमने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इस पर हमने आपको बताया था कि जो हमारा पंखे वाला कैपेसिटर होता है उसके माध्यम से अपने हाइस यानी एचएफ ड्राइवर को कैसे चलाया जाए। आपको सारे कनेक्शन बताए थे और आपको उसका टेस्टिंग भी दिखाया था, लेकिन वीडियो में जो है ज़्यादा डिटेल ना होने कारण, विस्तार ना होने कारण काफ़ी लोगों को वीडियो कम समझ में आया था। तो उसी वीडियो की सारी कमियों को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस पर मैं आपको सही तरीके से उन सारी कमियों को दूर करके डिटेल से पहले आपको फिगर के माध्यम से समझाऊँगा और उसके बाद डायरेक्ट में एचएफ लेकर के आपको सारा कनेक्शन उस पर कैपेसिटर लगाना और कैपेसिटर से लगा के एम्पलीफायर में कनेक्शन करना, एम्पलीफायर कनेक्शन से लगा कर आपको सारी टेस्टिंग तक आपको डिटेल से दिखाने वाला हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ये मेथड गलत है, सही से काम नहीं करता। दोस्तों, ये मेथड गलत नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो है 80% से ज़्यादा डीजे वाले भाई इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं और अपने साउंड सिस्टम पर इसे चलाते हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, हमारे जो मेले में डीजे की कंपटीशन होती है वहाँ पर भी यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है। और आप देख रहे हैं कि गाड़ी में लगभग 500 हाइस से भी ज़्यादा लगे हैं और आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या कोई 500 नेटवर्क किट का इस्तेमाल करेगा, नहीं करेगा ना। तो इसी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करेगा। वीडियो में अच्छे तरीके से आपको मैं बताऊंगा और आपकी हाइस कभी ख़राब भी नहीं होगी। काफ़ी भाइयों ने ये भी कमेंट किया था कि भाई 518 एचएफ के बारे में भी इसका कनेक्शन बताओ, तो उसके बारे में भी बात करेंगे और आपको 750 के बारे में भी बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन अरुद्रा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरडीए सपोर्ट पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर अपने एचएफ ड्राइवर के जो फिगर्स हैं यहाँ पर हमने ड्रा कर लिया है। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4 एचएफ ड्राइवर हमने ड्रा किए हैं। तो आपको ये बता दें कि काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे उस वीडियो में कि भाई 1 HF के लिए, 2 HF के लिए, 3 HF के लिए ऐसे करके बोल रहे थे। तो इस तरह नहीं चलता दोस्तों। फैन कैपेसिटर से जो है हमारा HF ड्राइवर सही तरीके से चलाने के लिए जो है आपको कम से कम 4 HF ड्राइवर ज़रूरी होते हैं। अगर आप 1 HF ड्राइवर चलाना चाहते हैं तो आप जो है डायरेक्ट नेटवर्क प्लेट से चलाएँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको काम चलाना है, आपके पास वहाँ पर अवेलेबल नहीं नेटवर्क किट, काफ़ी दूर है आपसे शहर, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको काम चलाओ सिर्फ आपको कनेक्शन बताया गया कि इससे आप अपना काम निपटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अपने एचएफ ड्राइवर रख लेते हैं। उसके बाद आपको जो है क्या लेना होता है, एक हमारा जो फैन वाला कैपेसिटर होता है इसको आप जो है 2.5 माइक्रोफैरड, हमारे देखो 2.50 MFD, ये आपको कैपेसिटर लेना है। इस कैपेसिटर से आपको सबसे पहले कनेक्शन ऐसे करना है। यहाँ पर मैंने आपको यही सेम कैपेसिटर जो है यहाँ पर मैंने ड्रा किया है अपने फिगर में। तो आपको क्या करना है, एक वायर यहाँ पर अपने 1 HF के प्लस पॉइंट में लगा देना है। ठीक है, तो इसमें एक बात और बता दें, इसमें कोई भी वायर जो है प्लस माइनस नहीं होता है, ये नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं, इसमें कोई सा भी वायर आप किसी भी तरफ से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, तो आपको एक वायर इसके प्लस वाले पॉइंट में लगा देना है 1 HF के, और दूसरा जो है इधर से एक वायर लेना है आपको इसके माइनस वाले से इसके प्लस में लगा देना है, और फिर इसके माइनस से इसके प्लस में लगा देना है। वैसे सेम आपको इसके माइनस से इसके प्लस में लगा लेना है, और इधर आपको एक माइनस बचेगा वायर, और इधर जो कैपेसिटर से जुड़ा हुआ एक प्लस वायर बचेगा। आपको ध्यान से एक बार फिगर को देख लेना है इस प्रकार से। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कनेक्शन समझ में आए होंगे। अब हम आगे कनेक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसा कि मैंने आपको कनेक्शन बताया है, सेम वैसे ही आपको 4 HF सीरीज में लगे हुए हैं, उस पर एक कैपेसिटर, दूसरा भी एक 4 का पेयर है, यहाँ पर 4 HF यानी हमारे हाइस का कनेक्शन है और उस पर एक कैपेसिटर लगा है। ऐसे करके आप जो है 4-4 के पेयर बनाएंगे। आपको जितने भी HF चलाने हैं उस हिसाब से आप लेंगे, आपके पास जितने HF हों, लेकिन आपको 4 के पेयर में लेना है। यहाँ पर मैं 8 का बना रहा हूँ क्योंकि आपको एक नॉर्मल DJ सेटअप पर जिस पर हमारे 4 टॉप 2 बेस लगे हैं उस पर कम से कम 8 HF से लगा के हमारे 16 HF तक लगभग चलाए जा सकते हैं, जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस कंप्रेशन देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको 8 का बता रहा हूँ। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो ये कैपेसिटर वाली वायर है यहाँ पर आपको एक प्लस वायर कैपेसिटर से जाती हुई दिखेगी, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके दूसरे सिरे से जो हमारा कैपेसिटर है एक वायर को लेना है अपना, ऐसे करके यहाँ पर ले लेना है, और सेम वही इधर जो है आपको इस कैपेसिटर के दूसरे वायर को भी इस वाले वायर से ऐसे मिला देना है। ठीक, तो आपको यहाँ पर मिल गया हमारा एक प्लस, प्लस वाला सिरा दोनों इन पोल का मिल गया। अब चलते हैं इनके माइनस वाले कनेक्शन को, यहाँ से एक माइनस वायर लेनी है, ऐसे करके ये लिया इसके माइनस वाले सिरे से, और इसके भी माइनस वाले सिरे से एक वायर लेनी है, ऐसे करके यहाँ पर आपको एक माइनस मिल गया। तो
आपने यहाँ पर देखा कि एक प्लस एक माइनस ऐसे करके मिल गया। अब इस वाले प्लस को, इस वाले माइनस को हम एम्पलीफायर में डायरेक्ट ऐड करते हैं अपने। तो दोस्तों अभी हमने आपको फिगर के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से अपने एचएफ ड्राइवर का कनेक्शन करना है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। तो मैंने डायरेक्ट आपके सामने जो एचएफ रखे हैं इनमें आपको कुछ इस प्रकार से जो है हमारा एक एचएफ बॉक्स कंप्लीट होता है। तो आपको डायरेक्टली एचएफ ले करके उनका कनेक्शन करके फिर आपको उसकी पूरी टेस्टिंग भी दिखाएंगे, एम्पलीफायर में फ्रिक्वेंसी कैसे सेट करते हैं ये भी आपको दिखाएंगे। अब आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास चार एचएफ ड्राइवर का एक पेयर इधर है और चार एचएफ ड्राइवर का एक पेयर इधर है। इन चारों में से एक कैपेसिटर इसमें लगेगा और इन चारों में एक कैपेसिटर इसमें लगेगा। ऐसे करके जो है चार चार के पेयर पर हमारे एक एक कैपेसिटर लगाए जाते हैं। तो चलिए इसका हम अच्छे तरीके से आपको कनेक्शन करके बताते हैं और इसको हम आपको अच्छे तरीके से टेस्ट भी करके दिखाएंगे। अब आपको लेना है अपना कैपेसिटर और आपको एचएफ में जो ये लाल वाला पॉइंट दिख रहा है इस पर आपको या इस साइड वाले एचएफ में या फिर इस साइड वाले एचएफ में जो लाल पॉइंट है यानी प्लस वाला पॉइंट है इस पर आपको कैपेसिटर लगा देना है। उसके बाद आपको जो बचा यहां पर माइनस वाला पॉइंट, इस माइनस वाले पॉइंट पर आपको एक वायर लेनी है और वायर की मोटाई अच्छी होनी चाहिए जिससे आपका जो है कनेक्शन प्रॉपर हो और किसी प्रकार का हीट इशू ना आए। तो आपको माइनस वाले में एक वायर ऐसे लगा देनी है। वायर लगाने के बाद आपको इधर ये माइनस से इस वाले एचएफ के दूसरे वाले एचएफ के प्लस वाले में इसे कनेक्ट कर देना है और फिर दूसरा एक वायर लेना है उसको एचएफ के इस माइनस वाले पॉइंट पर लगा देना है और अब इस माइनस वाले पॉइंट के अगले एचएफ के प्लस वाले पॉइंट में फिर लगाना है। फिर इधर प्लस में लगा और इधर माइनस बचा, इस माइनस में फिर एक वायर लगानी है। अब इस वाले एचएफ के प्लस में लगा देना है और अब आपको एक लंबी सी वायर लेना है, थोड़ा से इन वायर से लंबी ताकि इस एचएफ तक पहुंच जाए। इसके माइनस वाले में आपको एक वायर लगा देनी है। तो एक बार कनेक्शन आप फिर से समझ लें। यहां पर हमने कैपेसिटर लगाया। एक बात आपको बता दें कि कैपेसिटर में जो है प्लस माइनस नहीं लगता है, इसका इस वाले वायर को भी इधर लगा सकते हैं और इस वाले वायर को भी लगा सकते हैं। ये नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं, इनका उल्टा सीधा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर प्लस में कैपेसिटर लगाया और इस माइनस से एक वायर चली, इस वाले एचएफ के प्लस में आई और इसके माइनस से एक वायर लिए, इस वाले एचएफ के प्लस में लगाएं और इसके माइनस से फिर एक वायर लिया, इसके प्लस में। तो ऐसे करके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे। तो इधर हमारा ये प्लस मिल गया और इधर से जो हमने वायर इधर कनेक्ट की है ये माइनस बन गया। जिस प्रकार से हमने इस पेयर के सारे कनेक्शन किए हैं ठीक उसी प्रकार इस पेयर के भी सभी कनेक्शन उसी तरह से करना होता है। तो कुछ इस प्रकार से इन दोनों पेयर्स का कनेक्शन कंप्लीट करने के बाद बारी आती है मुख्य कनेक्शन की, यानी हमारा मेन कनेक्शन। इसके लिए हमें एक लंबी सी वायर लेना होगा जैसा कि आपके सामने है। आपको भी ऐसी वायर लेना है और आपको दोनों पेयर में जो प्लस वाला पॉइंट है जिस पर हमने कैपेसिटर लगाया है, इस कैपेसिटर का पॉइंट यानी प्लस वाला पॉइंट और इस वाले पेयर के इस कैपेसिटर का प्लस वाला पॉइंट, इसको आपस में ऐसे मिला लेना है। और मिलाने के बाद आपको जो ये मेन केबल है इसके प्लस वाले केबल से ऐसे इसे आपस में मिला देना है, यानी कि ये प्लस वाला पॉइंट बन गया आपस में इसके इसके प्लस मिलने के बाद। और इसे अच्छे से आपको टेप कर देना है ताकि ये आपस में टकराए ना। यहाँ इसको कनेक्ट करने के बाद आपको जो एचएफ में ये माइनस वाला पॉइंट था जिस पर हमने बड़ी सी ये ब्लैक वायर लगाई थी यानी माइनस पॉइंट और इस वाले पेयर का भी माइनस पॉइंट, इसको आपस में मिला देना है। और मेन केबल के माइनस वाले पोल से इसे कनेक्ट कर देना है। यहां पर जो है इस तरह से कनेक्शन पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। इस पर भी जो हमारा टेपिंग कर देना अच्छे तरीके से। इसके अब हम टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग करने के लिए हम सबसे पहले इसे बॉक्स के अंदर फिक्स करेंगे। दोस्तों कैबिनेट में फिट करने के बाद हमारे एचएफ ड्राइवर कुछ इस प्रकार से एक बॉक्स के रूप में आपको दिखने लगेंगे। और काफ़ी लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि इन्हें जो है
जो उस वीडियो में कनेक्शन किए थे, इन्हें चलाने के लिए वो जिस एम्पलीफायर में टॉप लगाते थे उसी एम्पलीफायर में इसको लगा देते थे। तो आपको जिस एम्पलीफायर में टॉप लगाना है उसमें इस एचएफ को नहीं चलाना है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक सेपरेटेड अलग एचएफ के लिए हमारा एम्पलीफायर यूज करना है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके 16 से 8 एचएफ चलाने के लिए हमारा जो ये स्टेंजर का पीबीटी 501 मॉडल आता है, आपको ये काफ़ी अच्छा काम करेगा, तो आप इससे चलाइए। तो इसकी फ्रिक्वेंसी पहले आपको सेट करके दिखाता हूँ, फिर आपको इसको फाइनली टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, जिससे आप अगर आप इस प्रकार के एचएफ चलाएंगे तो आपका एचएफ कभी ख़राब नहीं होगा। जो आपके बार बार परेशानी होती है, आपके एचएफ ख़राब होते हैं, तो कभी आपके एचएफ ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। दोस्तों, फैन कैपेसिटर से अपने हाई सैनी एचएफ ड्राइवर को चलाने के लिए आपको सबसे ज़रूरी होता है कि सबसे पहले आप अपने एम्पलीफायर के जो इक्वलाइजर सिस्टम है यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी को सही तरीके से एचएफ की आवश्यकता अनुसार सेट करें। काफ़ी लोग गलत फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं जिससे हमारे हाइस बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो अगर आप सही तरीके से इसकी सेटिंग करेंगे, फ्रिक्वेंसी सेट करेंगे, तो आपका हाइस कभी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो पुशअप स्विच दिख रहा है, इसको आपको यह हॉर्न मोड में लगा देना है। ये जो स्विच है, बाहर जब निकला होगा तो यह हॉर्न मोड में रहेगा। तो एचएफ चलाते समय आपको हर समय इसे हॉर्न मोड में ही रखना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर जो है बेस वाला नॉब है, इसको एकदम ऑफ रखना है, एकदम बंद रखना है, जीरो पर। और जो मिड वाला सेक्शन है, इसको आपको लगभग 30% आपको मिड खोल के रखनी है यहाँ पर। और उसके बाद आपको जो ट्रेबल वाला सेक्शन है, यानी हाई वाला सेक्शन है, इसको आपको 0 dB पर सेट कर देना है, एकदम सीधा सीधा, यानी 50% इसे ओपन कर देना है। तो इस प्रकार से अगर आप सेट करेंगे तो आपका फ्रिक्वेंसी काफ़ी अच्छे से सेट रहेगा। और आपको यहाँ पर जो है मास्टर वॉल्यूम सेट करने की बात करें, इसको आपके हाइस की क्वालिटी के हिसाब से जितना आपको आवश्यकता लगे, आपको लगे कि अच्छे तरीके से हमारा हाइस बज रहा है, तो उतना आप इसको खोलेंगे। कोशिश करिए कि इसकी लाल बत्ती न जलने पाए, जो आपके इंडिकेटर है इसमें हरे तक का सिग्नल ही जले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कभी हाइस आपका ख़राब नहीं होगा। सालों आप चलाते रहेंगे, आपके स्पीकर बदल जाएंगे, लेकिन आपका हाइस कभी नहीं ख़राब होगा। तो चलिए इसकी अब हम टेस्टिंग करते हैं कैसा परफॉर्मेंस देता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको प्रॉपर तरीके से सारे कनेक्शन समझ में आए होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही सरल तरीके से सारे कनेक्शन समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको मैं 518 और 750 के बारे में बताऊंगा, तो 750 में आपको क्या करना है, आपको जो दो एचएफ होते हैं उन दो एचएफ को आपस में सीरीज करना है और उस पर एक 2.5 माइक्रोफेराड का जो कैपेसिटर लगा देना है, यानी 2.5 mFd का कैपेसिटर लगा देना है। और 518 में क्या करना है, आपको जो हमारे यही एचएफ हैं, चार की ही सीरीज बनानी है, लेकिन उसमें आपको क्या करना है, आपको वैसे ही सेम कनेक्शन करना है, लेकिन आपको जो मास्टर वैल्यूम है एम्पलीफायर का, उसको थोड़ा बढ़ा के रखना होता है। और यहाँ से थोड़ा सा मिड हम उसका बढ़ा देंगे, तो आपका जो है 518 वाला एचएफ मॉडल भी अच्छे तरीके से चलने लगेगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का आप भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी वो प्रॉब्लम भी दूर करने की कोशिश करूँगा। डीजे और साउंड सिस्टम से जुड़े तथा अन्य प्रकार की टेक्निकल जानकारी, अगर किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, तो मुझे आप कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने मेरा पहली बार वीडियो देखा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही जरूरी वीडियो समय समय पर अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। लव यू ऑल।